मुरादाबाद में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको भी पार्टी के द्वारा सिंबल दिया जाए उसे मेहनत के साथ चुनाव लड़ाना है। साथ ही इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये पिछड़ों के साथ थे तो फिर पिछड़ों के नाम पर जिलों के नाम क्यों बदले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पिछड़ों की हितैषी होती तो आरक्षण को सही संवैधानिक तरीके से पिछड़ों को दिया होता तो किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। आज मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल नए मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही पिछड़ों के साथ धोखा किया है। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मालती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता पर विश्वास करके इस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जिस दिन माननीय बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है 20 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख से मैं लगातार निकला हूँ और मंडल वाइज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ और निश्चित ही ये देखने को मिल रहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी में चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े या पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे हमारे श्रुकास्ट के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं, सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित है कि लोगों के समझ में आ रहा है इसके पहले हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा हुआ था और उस चीज़ का मैं भरम लोगों के दिमाग से निकाल करके फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके आने वाले समय में सरकार बनाने का काम। चुनाव की क्या रणनीति है नगर निकाय के चुनाव आने वाले? नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन लोगों की रणनीति अच्छी नहीं थी, जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी, वो लोग चुनाव से भागने के लिए तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर काफी निशाना भी साधा, मंच से मौत तक। नहीं, मैंने भाजपा पर नहीं साधा। कह रहे हैं कि हम जो है पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए हम लड़ने वाले इकलौते हैं। मैंने क्या कहा? पिछड़ों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ने वाले थे तो बीएसपी का गठन 84 में हुआ है। उसके पहले कोई शाक सैनिक कश्यप मौर्या पाल का नाम बताओ नेता का। ये सब बीएसपी बनने के बाद हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पिछड़े समाज के छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनके जिले का नाम क्यों बदला इन्होंने? महामाया का नाम क्यों बदला इन्होंने? पिछड़े समाज के वो महापुरुष थे ना। आगे ये क्या लड़ेंगे मैं नहीं जानता हूँ। पहले इन्होंने क्या किया मैं वो बता रहा हूँ। बैकलॉग की भर्ती, पिछड़े और एससी की भर्ती हो रही थी, इन्होंने रोक लगाया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जो कुर्मी पटेल समाज में जन्मे बैकवर्ड के थे, उनके जिले अमेठी का नाम बदल करके मान्या बहन जी ने नया जिला बनाया था। बदला नहीं था, छत्रपति साहू जी नाम रखा, इसको बदल के इन्होंने अमेठी करने का काम किया। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का नाम पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष कुर्मी सचान पटेल में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी के नाम से रखा। ये पिछड़े समाज के हैं तो पिछड़े समाज के महापुरुष के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज नाम क्यों बदला? और जब लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के निर्णय आएगा तो मैं बताऊंगा कि पिछड़ों, मैं आपको एक कमेटी बना करके आरक्षण दे रहा हूं। ये धोखा पिछड़ों के साथ बहुत हुआ है। पिछड़ा समझदार हो गया है और मैं उन्हीं को सचेत करने के लिए निकला हूं। पिछड़ा इनको जवाब देगा जो षड्यंत्र किया गया है। क्या निकाय चुनाव में बसपा को कहां देखते हैं? निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। एक ऐसे समय में आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी है कि जहां पर पिछले कहीं ना कहीं खिसक गए, संगठन कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा था, आज क्या देखने में लग रहा है? आज पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरकार समाज न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, ये आपको देखने को इस मुरादाबाद में भी लग रहा होगा। और जिस दल का, जिस सेना का कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्साहित हो जाता है, उस सेना को, उस संगठन को कोई पिछाड़ नहीं सकता। मेरे साथियों, पाल समाज से आप आते हैं, 24 साल बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी पाल समाज के व्यक्ति को जिम्मेदारी अहम दी गई है। पाल समाज हो, चाहे साख समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे लोहार समाज हो, चाहे सैनी मौर्या हो, इन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने कुछ दिया ही नहीं।
जमीन से उठा करके जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने तैयार किया है उन्हीं नेताओं को लोग तोड़ करके फुसला करके आज अपने अलमारी में सजा करके चेहरा दिखाने का काम क्या कर रहे हैं। पिछड़ा वोट क्या भटक रहा है या फिर ये कहे कि सभी पार्टियों से दूरी बना रहा है पिछड़ा, क्योंकि अब लगातार पिछड़ों की बात हो रही है। आप या तो मेरी मीटिंग में सुने नहीं, मैं यही बोल रहा था कि पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा षड्यंत्र हुआ है, वो चीज मैं समझा रहा हूँ। अभी जो चुनाव हुआ था 22 में, इस चुनाव में आपको मालूम होना चाहिए कि 10 सांसद वाली बीएसपी पार्टी को लड़ाई के बाहर डमी बताया गया और 5 सांसद वाली को लड़ाई बना बताया गया, ये धोखा नहीं किया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी बताया गया, बीजेपी की बी टीम बताया गया, और जो एक क्षेत्रीय पार्टी उसको लड़ाई में बताया गया। 26% बेस वोट वाली पार्टी को डमी बताया गया और जिसका कोई बेस नहीं, 7-8% वोट लेके चलते उनको लड़ाई में दिखाया गया। ये पिछड़ों के साथ षड्यंत्र नहीं किया गया था, ये मुस्लिम समाज पिछड़े समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र को हमारा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग इस बात को समझ गए हैं। आने वाले समय में ये आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। दाम नहीं, गैस सिलेंडर के दाम कितने हो गए, पेट्रोल के दाम कितने हो गए, बिजली के दाम कितने हो गए, सीख मोरंग के दाम कितने हो गए, बर्तन में जिसमें खाना गरीब लोग खाते हैं उसके दाम कितने हो गए, किस चीज़ का दाम कम हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के विरोध में महंगाई के नाम पर हिलाया गया था, लेकिन महंगाई तो चरम पर पहुँच गई है। नौजवान, किसान, सर समाज के लोग बहुत परेशान है भाई, ये तो आप लोग भी जान रहे हो। आप कुछ विरोध करेंगे इसका भी, बिजली का जो रेट बढ़ रहे हैं? अरे भाई, विरोध करके क्या करोगे, धरना प्रदर्शन ज़्यादा करोगे तो जेल में डाल देंगे। इसका विकल्प यही है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत लाई जाए, निश्चित है कि सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की बात कर रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर चली गई इस मामले को, भाजपा कह रही है हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे क्या लगता है? अरे मेरे भाई, अगर ये पिछड़ों के हितैषी होते तो क्या इसके पहले चुनाव नहीं हुए थे? ये पिछड़ों का अगर आरक्षण सही संवैधानिक तरीके से अगर पिछड़ों का आरक्षण दे दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता। तो एक तो आपने सही तरीके से आरक्षण पिछड़ों को दिया नहीं, और बाद में कह रहे हो हम कमेटी बना करके आरक्षण देंगे, एक सिरे लेने का मतलब इनका है। पूर्व नगर विधानसभा प्रत्याशी इरशाद सैफी, महानगर अध्यक्ष, बसपा के नगर विधानसभा अध्यक्ष रिंटू सागर आदि लोग मौजूद रहे।